आप देख रहे हैं समय प्रभात। पेल्हार पुलिस ने चार ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम में पैसे निकालने आए लोगों को अपनी बातों में फंसाकर हाथ की सफाई से डुप्लीकेट एटीएम कार्ड से उनके असली कार्ड बदलकर पैसे निकालकर फरार हो जाते। एक व्यक्ति एटीएम में अपने चाचा के एटीएम कार्ड से कुछ पैसे निकालने गया हुआ था, जहां कुछ लोगों अचानक अंदर आए और कितना समय लगेगा इस तरह की बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड बदली कर दिया और उनके अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल दिए, जिसके बाद उन्होंने नजदीकी पेल्हार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने टेक्निकल एविडेंस की मदद से चार शातिर आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। 90,000 के आसपास की नगद राशि और कुल 31,000 रुपए कीमत के कुल 93 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। ये कुल चार लोग हैं और कुछ लोग इनमें शामिल होने का अंदेशा है, जिसकी तफ्तीश चल रही है। और ये कुछ पिछले एक दो साल से इनका ये लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का काम जो है वो चल रहा था। इनका करने का काम था कि जब कोई कस्टमर एटीएम में अपने पैसे निकालने के लिए जाता था तो ये 3-4 लोग इकट्ठा जाकर उसको बातों में उलझा कर उसका पिन जो है एटीएम वाला, तो वो पिन उसका वो समझ के लेते थे और उसके बाद में उसको बातों में उलझा कर उसका एटीएम कार्ड जो है वो एटीएम कार्ड बदल के दूसरा एटीएम कार्ड उसके हाथ में थमा देते थे। और जब तक उसको पता चलता है तब तक ये किसी दूसरे एटीएम में जाके उस अकाउंट में जितनी भी राशि है वो उतनी राशि वो पिन नंबर डाल के उसकी निकाल कर ले जाया करते थे। लोगों का आह्वान यही है कि इनके पास से कुल अभी तक तो 93 एटीएम बरामद हुए है। इसका मतलब सीधा है कि इतनी जगहों पे वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो पब्लिक से वही हमारी एक गुजारिश है कि जिनके साथ में इस तरीके का चीटिंग फ्रॉड या इस तरीके की धोखाधड़ी हुई है वो लोग सामने आके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराए, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाए या फिर हमारे पेल्हार पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।